और भाई जो हमारे बड़े भाई हैं जो आपको जम्मू में हाय अनाउंस कर रहे हैं बेसिकली एक वेब सीरीज 10 एपिसोड की एक अच्छे OTT पे आएगा और 10 एपिसोड का है हिस्टोरिकल है और बहुत सारी चीज़ें इसके कहानी के बारे में वो तो आप एक एक करके जब सवाल पूछेंगे तो होगा और इसमें ये सब हमारी मेन कास्ट है लाहौरा की और शो क्रिएटेड बाय राहत काजमी जो मेरे बड़े भाई हैं एंड को राइटर भी हैं इस शो के वहाँ बैठे हैं और ये बाकी सब कास्ट यहाँ सामने हैं तो आप सवाल कर सकते हैं एक क्या रीज़न है मैं प्रोजेक्ट से जुड़ने का अच्छा प्रोजेक्ट है मानता हूँ पर्टिकुलर रीज़न क्या रहा है आपके सवाल में ही आपका जवाब है अच्छा प्रोजेक्ट है मैं मानता हूँ उसके बाद भी सवाल पूछना बनता है क्या नहीं नहीं आपके लिए क्या सुटेबल स्टोरी लाइन अच्छी है या यू वांट टू डू समथिंग स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है जो स्ट्रॉन्ग वुमेन का जो पोर्ट्रे किया है जो बेसिकली जिनसे इन्होंने इंस्पायर किया हुआ है वो उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि बहुत विमेन के लिए वो बहुत सारे ऐसे अच्छे राइट्स लेकर आई थी उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पर औरतों को या लेडीज़ की जो कम्युनिटी एज अ जेंडर उनको लुक डाउन किया जाता था तो उनको कैसे बढ़ाया उन्होंने उनके लिए अच्छे स्टेटस पर लेकर आई उनको मतलब एक सेम पोजीशन पे लाकर खड़ा किया जहाँ पर आदमी भी था गिविंग देम द इक्वालिटी जो एक्शन आपका स्किल सर इस चीज में दिखाया था उसके आधार पर ही शायद आपका सिलेक्शन हुआ कि right. तो ये जो कैरेक्टर प्ले करें दीदा का तो हाँ. ये जो कैरेक्टर है निकटिका 2 में भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है तो कितना डिफरेंस होगा उनका और आपका भी जो किरदार है सर इसका तो जवाब आपको डायरेक्टर ही दे सकते हैं क्योंकि मेकर वो है मैं नहीं दूसरी बात फिल्म के अंदर और सीरीज़ के अंदर बहुत डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि आप सीरीज़ में डिटेल्स में बता सकते हैं 10 एपिसोड मतलब आप गेज कर सकते हैं कि कितने घंटे का अगर आप एक साथ करें तो बहुत सारा टाइम मिलता है तो आप डिटेल्स में काफ़ी चीज़ें दिखा सकते हैं फिल्म के अंदर आपको एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस करना पड़ता है और उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो सब दिखाते हैं राइट तो सीरीज़ के अंदर एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता 10 कैरेक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है और उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो दिखाते हैं दीदा की किरदार की मैं बात करूँ जिन्होंने 40 साल रूल किया है एंड शी इज़ बीन फिजिकली डिजेबल तो कितना आपके लिए चैलेंजिंग था उनका किरदार प्ले करना एंड आपने इस किरदार को प्ले करने से पहले यू आर गेटिंग इट रॉन्ग दिस इज जस्ट द अनाउंसमेंट वी आर गोना गेट इनटू द फिल्मिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ यस तो अभी तक मैं फिल्मिंग का एक्सपीरियंस नहीं बता सकती क्योंकि वो अगले महीने से स्टार्ट होना है यस बट आपने तो कुछ रिसर्च की रहेगी उस किरदार के बारे में तो क्या लगता है कितना डिफिकल्ट या फिर कितना चैलेंजिंग आपके लिए डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा स्पेशली जो वॉरियर पार्ट था उनका वो जो तो जो हिसाब से उनको वॉर्स में जाती थी फाइट करती थी तलवारबाजी है घुड़सवारी है बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि वो टाइम पे ऑब्वियसली हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच टेक यू बैक टू द एंशिएंट रूट्स व्हिच यू हैव टू लर्न और हम सब मिलेनियम बेबीज हैं हमको टेक्नोलॉजी के बिना चलता नहीं है सो हाँ प्रैक्टिस बहुत लगने वाली है मेकर्स से सवाल मेरा रहेगा देयर आर अदर कास्ट आल्सो कैन यू जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट द कास्ट एंड इंट्रोडक्शन थोड़ा हाँ, तो हमारा पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि क्वीन दीदा ही एग्जैक्ट कैरेक्टर नहीं है हम इंस्पायर्ड बाय क्वीन दीदा है बेसिकली ये पूरा फिक्शनल कहानी है और इस सिल्क रूट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हम सब ने पढ़ा होगा बचपन से देखा होगा तो सिल्क रूट जो था अकेला रास्ता था 14th century पे बेस्ड है ये कहानी जो पूरा वर्ल्ड का ट्रेड होता था बिजनेस होता था तो अभी तक क्या हम जितने भी हिस्टोरिकल देखते हैं सब्जेक्ट्स तो कहीं ना कहीं पर्सनल वॉर और उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होता है बट अभी ये बिजनेस के ऊपर है आपने राजनीति देखी होगी yes. तो राजनीति के अंदर आपने जो सब चीज़ें देखी हैं उसी तरह की राजनीति यहाँ पर भी होने वाली है बट वो उस ज़माने में कैसे होती थी वो उसके ऊपर है एंड उस टाइम पे बिजनेस सिल्क रूट के थ्रू कैसे होता था वो जो एक रास्ता था जहाँ जो अरब रशिया से स्टार्ट होकर अरब कंट्रीज से होते हुए काबुल कंदार से होते हुए इंडिया के अंदर पहुँचने का रास्ता एंड इंडिया एंड देन चाइना तो इंडिया और चाइना इंडिया की वैल्यू उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी
बहुत रिच था इंडिया उस टाइम पे, डॉलर से बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था इंडिया, तो हर किसी को यहाँ बिजनेस करना था, ट्रेड करना था, देन तो ये उसके बारे में है। जो कैरेक्टर्स हैं, राजनंदिनी का जो कैरेक्टर है वो डेजी शाह प्ले कर रही हैं, उसके बाद जो बड़ी रानी है जो फर्स्ट वाइफ ऑफ खेम गुप्ता, जो राजा की जो पहली वाइफ है, वो सारा कर रही है प्ले, जो गजाला नाम है उस कैरेक्टर का, वो एक मुस्लिम क्वीन है और ये राजपूत है। एंड आगे की स्टोरी में कैसे दो फीमेल्स एंड देन आगे और भी बहुत सारी फीमेल्स को इनकरेज करती हैं, जैसे राजा की छोटी बहन है जो लड़ना चाहती है और वो अच्छी फाइटर भी है, बट उसको कभी मौका नहीं मिला क्योंकि फीमेल्स को हमेशा पीछे रखा जाता था। बट एट लास्ट जब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है तो सब लोग वॉरियर बन के निकलते हैं, और उसमें फीमेल्स कितना स्ट्रांगली आगे आती हैं, एंड एक तरफ पठान फौज और एक तरफ राजपूताना फौज, तो ये दो फौज मिल के, ये धर्म की लड़ाई भी है, ये अपना अपने देश की और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अपनी अपनी अपने राइट्स की लड़ाई है, तो उसमें वो फीमेल्स कैसे जाके लड़ती हैं, एंड आगे क्या होगा क्लाइमेक्स में तो अलग है। एंड देन उसमें ज़्यादा डीप में चला गया। yes. राम सिंह का कैरेक्टर शोएब निकाह शाह कर रहे हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने तो अवार्ड विनिंग फिल्म करी मंटोस्तान नेटफ्लिक्स पर, एंड देन लिहाफ ने मंटो का ही कैरेक्टर अगेन प्ले किया है, तो वो आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि इनको कैसा लग रहा है इतनी रियलिस्टिक और अवार्ड विनिंग फिल्म करने के बाद आज इस तरह का सब्जेक्ट लेता हूँ, तो मैं ये मेरी तरफ से सवाल होगा शोएब से। अच्छा तुम्हारा तो अभी तो क्या है कि एक साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं इसके लिए, बहुत ही सीरियसनेस के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आउट एंड आउट एक्शन बनाना है तो कुछ एक कहानी और मसाला और एक्शन कर देते हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई और बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है, हम सबको सुबह 4-5 बजे उठा के ये लोग 3-4 घंटे जो है वो स्पॉट फाइटिंग और तलवारबाजी सब सिखाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डेफिनेटली एक वॉरियर का कैरेक्टर पहली बार मैं कर रहा हूँ, मैंने पहले हिस्टोरिकल फिल्म्स की हैं, मैंने मंटोस्तान की है, मैंने लिहाफ की है, एक और फिल्म मेरी आने वाली है कंट्री ऑफ ब्लाइंड, वो भी काइंड ऑफ हिस्टोरिकल, बट ये पहली फिल्म है जो आउट एंड आउट एक्शन एंटरटेनिंग और उसके साथ रिसर्च है बहुत सारी, जैसे कि सिल्क रूट की बात इन्होंने ऑलरेडी कर ली कि वो कितना इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए सबसे मुझे जो सबसे इंस्पायरिंग और बड़ा ग्रिपिंग लगा था वो सिल्क रूट लगा था कि एक ही रास्ता था जो हिंदुस्तान के अंदर आता था और वो लाहौरा से होकर गुजरता था तो ही हिंदुस्तान में पहुंचता था, और लाहौरा एक छोटा सा राज्य था और किस तरह से वो वर्ल्ड फेमस हुआ बाद में, कितनी बड़ी लड़ाइयाँ उसने लड़ी अपने राइट्स के लिए, तो आई थिंक बड़ा ही इंस्पायरिंग है, अभी तक की जर्नी जो है बहुत कमाल की चल रही है और बहुत एक्साइटेड है आगे जाने के लिए और इस तरह का आउट एंड आउट एक्शन विद लॉट ऑफ रिसर्च ये करने का। मैं दूसरों को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो वहाँ अर्जुन मनास हैं, कुछ दाढ़ी भी बढ़ा रहे हैं इस कैरेक्टर के लिए देर से, तो अर्जुन भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो अपना इस कैरेक्टर के बारे में, चित्रकार का जो कैरेक्टर है वनराज। हाँ, ये जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ इसमें वनराज चौहान का, एक राजपूत कैरेक्टर है और ये राजा का जो खेल पिताजी हैं उनका सतेला भाई है और इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, एक चित्रकार भी है, बहुत अच्छा पेंटिंग्स बनाता है डिफरेंट डिफरेंट तरह की, एंड इस कैरेक्टर का रेफरेंस मैं कह सकता हूँ कि शकुनी जैसा था, उस तरह का कैरेक्टर है, एक लोमड़ी की तरह तेज चालाक और इट्स अ ग्रे कैरेक्टर, ग्रे शेप का द बैड एज कैरेक्टर जो आप कह सकते हैं, तो बहुत ही शेड्स डिफरेंट प्ले करने को मुझे इसमें मिल रही है और कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर के साथ सिंपैथी भी जुड़ी है क्योंकि इसके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है, एक तो इसको स्टेटस नहीं मिला क्योंकि एक सौतेला भाई है और है तो लेकिन रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करता है और इसको कहीं ना कहीं वो ग्रजेज उसके दिल में हमेशा से रही है कि इसको वो ओहदा नहीं मिला उस राज्य में, इसको एक सिक्योरिटी प्लेस में वो रहता है ऑल टाइम, इसको एक सज़ा मिली थी, कुछ गलत किया था जिसका इसको दंड मिला था जिसकी वजह से इसका आधा चेहरा जला दिया गया था और वो उसको अंदर ही अंदर वो चीज़ उसको खाती रहती है और उसको रिवेंज लेना है उस चीज़ का और एट द सेम टाइम थ्रोन के ये भी इज़ लाइक वेरी ईगर कि मुझे थ्रोन भी चाहिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एंड मैं चाहता हूँ कि सारा जो गजाला का कैरेक्टर है ये भी अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताएं, हमने पिछले कई दिनों में कई बार डिस्कस किया, दूसरे शूट पे भी हमने बहुत बार डिस्कस किया इस प्रोजेक्ट को लेके। सो गजाला का जो कैरेक्टर है इट्स ऑफ कोर्स गोइंग टू बी विद फुल ऑफ इमोशंस क्योंकि वो अपने साथ साथ राजा की दूसरी बीवी को भी एक्सेप्ट करती है, उसके बाद उसके साथ क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं, वो आप सीरीज में देखेंगे, आई डोंट वांट टू नो ओपन अप द एंटायर स्टोरी।
जिसकी वजह से वो थ्रोन पे नहीं बैठ सकती है, और फिर साथ में मिल के कैसे दोनों वाइफ्स और भी जो कैरेक्टर्स हैं हमारे इम्पोर्टेंट, वो सब मिल के किस तरह से लड़ते हैं, और इसका एक हाथ पैरालाइज्ड होता है उसके बावजूद जब फाइट आप देखेंगे वो ऑफकोर्स हम ट्रेन होंगे उसके लिए अच्छे से और आपको दिखा सकेंगे और बेहतर बता पाएंगे। पर आई थिंक सबसे अच्छी बात मुझे इस प्रोजेक्ट की ये लगी कि इसमें कोई भी, ज़्यादातर जितना मुझे अभी तक पता, आई थिंक मैं सही हूँ, कि कोई भी बॉडी डबल यूज़ नहीं होगा। हाँ, पूरा का पूरा एक्शन रियल होगा, सारा एक्शन जिस कैरेक्टर को करना है वही करेगा, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहा है, और ये बड़ी कमाल की बात है। हाँ, क्योंकि इसके लिए पहले भी बहुत ट्रेनिंग ली गई है, अभी कुछ लोग यहाँ पे नहीं है, मीर सरवर जी हैं जिनके पाँव में लग गई थी इसकी ट्रेनिंग करते करते, वो भी अपने शूट पे हैं। तो ये फैक्ट है कि बॉडी डबल का ना के बराबर कोशिश की जा रही है कि ना के बराबर यूज़ हो, बट एक्शन ग्राउंड लेवल का एक्शन जिस तरह का आप 300 या इस तरह की फिल्म में देखा है बिल्कुल रियलिस्टिक भी लगेगा बट बहुत अपीलिंग भी लगेगा, तो उस तरह के एक्शन को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एंड इंशाल्लाह वो होगा। एंड अदर कैरेक्टर्स को मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जैसे अभिनय जो हैं ये जो अफगानी हैं उनके खास हैं उनका कैरेक्टर, उसके बाद मीर सरवर जी जो हमारे शेर शाह अफगानी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो नेगेटिव में, उनके साथ रज़ा मुराद है जो उनके एडवाइज़र का कैरेक्टर है, और ये उनके बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मसूद अफगानी, तो काफ़ी साइको बेसिकली। एंड आरती जो है ये आरती हैं, ये मैंने पहले भी जैसे बताया खेम गुप्ता जो हमारे राजा हैं उनकी छोटी बहन, एंड उनके छोटे भाई अभिमन्यु गुप्ता, और उसके आगे जो है मोना वो अघोरी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जी। क्योंकि एक प्रोजेक्ट को अपने शोल्डर्स पे पूरी तरह से डिपेंड करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत लोगों का करियर जुड़ा हुआ है, बहुत मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली एक्टर्स, इट्स अबाउट पीपल हु वर्क बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो। तो ये जो भूमिका है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना सबसे पहले कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी वो एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव द एंटायर टीम हु इज़ देयर टू बैक यू अप, क्योंकि नहीं यू डू इट वी आर देयर यू नो। तो ऐसे जैसे आपके दो सवाल थे एक्चुअली, आई मीन एक में पर डिवाइडेड दो थे, विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स आ रहे हैं OTT पे जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ऐसी स्टोरीज थी जो विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते थे हम, अभी देखने को मिल रही है, जो प्रस्पेक्टिव है वो थोड़ा वाइडन अप हो जाता है, लोग जो है वो और ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो जाते हैं हर चीज़ को लेकर, और सिंपथी भी कहीं ना कहीं बिल्डअप होती है इसके अंदर, क्योंकि कमिंग फ्रॉम वेर एवर वी हैव कम फ्रॉम, लाइक हमारी हिस्ट्री भी देख ले तो यू नो वहाँ देखा जाता है कि नहीं लड़कियाँ जो है वो घर में काम करने के लिए शादी करने के लिए बस इसी के लिए, बट बिकॉज वीमेन हैव स्टार्टेड स्टेपिंग आउट, और ये जो वीमेन ओरिएंटेड फिल्म्स है वो उसी को ही बैक कर रही है दैट नो वट एवर मैन डू वीमेन कैन डू एग्जैक्टली द सेम और इवन बेटर। एनी मोर क्वेश्चंस? लोकेशंस क्या है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम कश्मीर? तो ये लोकेशंस इसमें कश्मीर तो है ही नेचुरली, उसके अलावा ऐसे शूट वाइज तो हम MD स्टूडियो में भी कर रहे हैं शूट, जितना भी महल वाला पोर्शन है, बट आउटडोर्स और अफगानियों का सारा जितना पोर्शन है वो हम कश्मीर में शूट कर रहे हैं। तो ये हम दिखाने कश्मीर ही दिखाने वाले हैं, जो पीर पंजाल रेंजेस हैं, जो हम बेसिकली जो गेटवे है बेसिकली वहाँ से अभी पाकिस्तान से यहाँ आने का पहले भी था, तो हम उन्हीं एक्चुअल लोकेशंस पे जाके शूट करने वाले हैं। एंड व्हाट अबाउट अफगानिस्तान एंड असम, बिकॉज दे आर आल्सो कनेक्टेड विद दिस थिंग? तो इसमें काबुल कंधार जो कंधार है वहाँ के बारे में है ही है, क्योंकि जो किंग हैं वहाँ से शेरशाह अफगानी, तो उनका तो मेन मोटो ही वो ये कि वो अपना पूरे वर्ल्ड का जो बिजनेस का ट्रेड का जो है वो सेंटर बनाना चाहते हैं कंधार को, एंड इन लोगों को अपने अंडर लगा के काम करवाना चाहते हैं जो ये नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं उस ज़माने में बिजनेस को लेके बात करना बड़ा अलग लगेगा सबको, बट ये होता तो था ही, बट क्योंकि हमने सिर्फ अलग तरह के वॉर्स सुने हैं ये थोड़ा अलग तरह का होगा, पॉलिटिकल भी है, पॉलिटिकल तो खैर रहे हैं बहुत सारे, बट बिजनेस ट्रेड वर्ल्ड के बारे में बात करना एंड कैसे एक छोटा सा राज्य पूरे वर्ल्ड में
बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड को ट्रेड करना था इंडिया के साथ एंड देन उसके बाद चाइना के साथ और यहीं से होके जाना था, तो ये उसके बारे में बस। इन व्हाट अबाउट द शूटिंग पार्ट, क्या मिड शूट पे है या फिर स्टार्ट होने वाला है? शूट हम नेक्स्ट मंथ करने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ से शुरुआत होने वाली है। एंड क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट अबाउट द रिलीज दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ? तो बेसिकली विद इन 5 to 6 months ये कंप्लीट होगा, उसके बाद ये रिलीज होगा एंड हम तो बने रहेंगे, हम तो अपना हमारा चलता ही रहेगा बीच बीच में एंड हम सारी अपडेट्स देते रहेंगे। बट अभी हम अप्रैल और मई के मंथ में जो हमारा पूरा प्लान है, अप्रैल मई जून मिड तक में भी हमारा कश्मीर का और इधर का पूरा शूट खत्म हो जाएगा एंड देन पोस्ट वर्क होगा एंड देन उसके बाद ही फाइनली हम ये रिवील करेंगे कि ये कहाँ रिलीज़ हो रहा है। डेजी वॉज द फर्स्ट चॉइस? हाँ, मेरी बात इनसे ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले हुई थी, डेढ़ साल पहले हमारी बात हुई थी। हम इसको पहले बनाने वाले थे, देन कोई चैनल्स का उतना क्लैरिटी नहीं होने की वजह से कि हम क्लियर नहीं थे कि कहाँ होगा कैसा होगा, तो वो बीच में आइडिया ड्रॉप हो गया था एंड देन फिर रिसर्च भी उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी एंड फिर हमने बीच में कुछ अपने दूसरे काम किए एंड देन फिर वापस से हमने अभी स्टार्ट किया। तो मेरे बड़े भाई हैं राहत काजमी, उन्होंने फिर एज अ शो क्रिएटर एंड एज अ को राइटर ये आए और इन्होंने ये जो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है, इस कहानी का बैकबोन हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है कि पहले तक ये कहानी सिर्फ यूगो क्लैशेस की थी कि आप, बट आज इसके अंदर लॉजिक्स आ गए हैं, तो सब लॉजिक्स ये लेकर आए हैं इस कहानी के अंदर एज अ राइटर। और तो ये प्लान बहुत पहले से था, तो बहुत पहले ही इनसे डिस्कस हुआ था। जी, आपसे जानना चाहूँगा कि हॉर्स राइडिंग या फिर कुछ ऐसी तलवार वाली आगे ऐसी कुछ दिखने वाली अगर ये है तो इसकी आप कुछ स्पेशल ट्रेनिंग, आर यू टेकिंग एनी स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दैट? आई विल गेट इनटू इट, यस। जैसे इन्होंने कहा कि ये पिछले एक साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे व्हाट तो मैं ट्रेनिंग में बहुत लेट हूँ, बट आई एम होपिंग दैट मैं मतलब एटलीस्ट इनके लेवल तक पहुँचूँ या नहीं तो कम से कम मैं मैचअप कर लूँ। बट हॉर्स राइडिंग मैंने थोड़ी सीखी है जो कि अच्छी बात है और उसी को बेटर करना है, उसी को मास्टर करना है। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज हॉर्स राइडिंग? आई नो हाउ टू राइड अ हॉर्स, बट आई डोंट नो हाउ टू डू अ फुल थ्रॉटल विद इट। सो होपफुली आई विल लर्न दैट वेरी सून। बट देखो, घोड़े पर बैठना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलाना वो आगे का प्रोसेस है। और बड़े पर्दे पे या फिर स्क्रीन पे आपका और सारा का, सारा आपसे जानना चाहो किस तरह का रिलेशन रहने वाला है बड़े पर्दे पे? सो इनिशियली ऑब्वियसली क्योंकि फर्स्ट वाइफ होती है तो इसको इमोशनली शी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग दैट इजीली, बट लेटर ऑन जो सिचुएशंस होती हैं और क्या स्टोरी होगी वो सब नहीं बताना चाहते, फिर आप देखेंगे क्या। आप भी हॉर्स राइडिंग, यू आर टेकिंग एनीथिंग? यस, आई विल बी टेकिंग नाउ। यू आर टेकिंग एनी स्पेशल? आई विल बी टेकिंग। ओके, यू विल बी टेकिंग। जाना चाहूँगा जो कैरेक्टर पर्टिकुलरली मणिकर्णिका कंगना जी प्ले करेंगी, तो कोई कंपटीशन होगा या क्या कहना चाहेंगे, अच्छी बात होगी? एक ही हाँ, उन्होंने अनाउंस किया। बेसिकली जब हमने 1.5 साल पहले प्लान किया था तो ट्रेलर, हमने इसका एक ट्रेलर भी बनाया था इस चैनल को चीज कि हम अचीव कर सकते हैं को दिखाने, तो उस टाइम पे कुछ हमारे प्लान के कुछ 10-15 दिन बाद एक अनाउंसमेंट आया था मणिकर्णिका 2 दसवीं, तो ऑब्वियसली अच्छा ही बनाएंगे वो लोग, बहुत अच्छा बनाएंगे। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे इसको शूट किया जाए और बहुत अच्छा बना जाए। मुझे लगता है कंपैरिजन में कोई बात ही नहीं होगी क्योंकि ये वेब सीरीज़ है, वो फिल्म है, वो 2 घंटे में कहानी कहेंगे, हमें 4 से 5 घंटे हमें पूरी डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। नहीं, बट अगेन आई एम सॉरी टू कट यू देयर, बट जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट की है अबाउट क्वीन गीता, राइट? सो इट इज अबाउट शोइंग द एंटायर कैरेक्टर कि वो थी कैसी, करती क्या थी और कैसे वो बनी। और वो ये जो है वो ये स्टोरी लाहौरा की है, क्वीन दीदा की नहीं है, ये इंस्पायर्ड बाय क्वीन दीदा है, तो जस्ट इंस्पिरेशन वहाँ से मिली है, बट हमारा 14th century पे सेट है जो उससे करीब 400 साल बाद की। काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं इसके अंदर जो शायद क्वीन दीदा से ना मिलते या उनसे रिलेट ना करते, बिकॉज इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ प्लेस, व्हाट हैपेंड देयर, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो क्या जैसे इवन वही चीज़ जैसे उन्होंने बोली थी कि हैंडीकैप या कुछ उनसे जो रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, तो वो इसमें नहीं है इनके कैरेक्टर के साथ। हालांकि गजाला के कैरेक्टर के साथ है कि उनका एक हाथ काम नहीं करता, बट एक हाथ से फिर भी लड़ने वाली है। जगदीप, आप अपने किरदार के बारे में
ये ऐसा गुप्तचर है जो बता ही नहीं सकता कि मैं अपने कैरेक्टर को भी रिवील नहीं करूँगा, तो आपको जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसा मेरा कैरेक्टर है। और रही बात प्रोड्यूसर की, तो मेरे साथ इतनी स्ट्रॉन्ग टीम जुड़ी हुई है, तो आई एम सो लकी कि छोटी उम्र में मुझे एज अ प्रोड्यूसर काम करने को मौका मिल रहा है, वो भी बैनर के साथ। इतना बड़ा बैनर रात भाई हैं जिसका मैं एज एक्टर काम कर चुका हूँ, सर शाहिद भाई हैं, शोएब भाई हैं, मैं एक्चुअली इनका स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो आज मुझे वो मौका मिला कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और मेरा खुद का बैनर है और इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ भाई कि मैं इन्वेस्ट क्यों करूँ। मैं तो मुझे इसकी लालच भी है थोड़ी सी भी कि मैं इस पार्ट इस प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ। तो मुझे लगता है कि यार आई एम सो लकी कि मैं इस टीम से जुड़ा हूँ, तो आगे क्या करूँगा मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही होगा। आई एम सो थैंकफुल टू दिस टीम एंड राज भाई जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करा है। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली क्या होता है कि मुझे लगता है बहुत जगहों पे ऐसा होता ही है कि आप जिनके साथ काम करते हो फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, भले ही वो बिहेवियर वाइज हो कि आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, एट द सेम टाइम एक सपोर्ट भी होता है। जैसे मैं जब 1990 भी फिल्म कर रहा था जो एक्टर सीरीज में, तो उस टाइम पे भी सारा और ये लोगों ने सपोर्ट की तरह आए, उन्होंने कुछ पूछा नहीं स्क्रिप्ट, तो उस दिन भी डिस्कस हुआ था कि स्क्रिप्ट तो पता ही नहीं था कि स्क्रिप्ट है कहाँ क्या है, तो ये लोग सपोर्ट बने। तो नेचुरली मैं भी चाहूँगा कि मैं जब तक हूँ ये साथ रहें, ये मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होता है इन सबके साथ काम करें। तो आई थिंक कुछ कास्ट 1990 से पहले ही साइन हो चुकी थी इस फिल्म के लिए। हाँ, ये पहले से ही थे बेसिकली इस प्रोजेक्ट में, वो बाद में बनी। हाँ, वो एक अलग फिल्म है, 20-30 साल पहले। ठीक है, थैंक यू।